वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वीडियो कैमरा को सेट करो, फिर काम करो, फिर कैमरा, और फिर लग चुकी हूँ मैं अपने काम पे। तो यह है सुबह की वीडियो, फिर सुबह से मैं शुरू कर रही हूँ इस वीडियो को। तो मैंने मशीन में डाल दिए हैं कपड़े, इनके कपड़े और सबके कपड़े हैं मशीन में, मैंने डाल दिए हैं कपड़े। और केविन के कपड़े मैंने टप में डाल रखे हैं, इस रेडम के कपड़े। ये तो मैं पहले भिगाने के लिए रखती हूँ, देख सकते हो आप कितना गंदे रहते हैं इसके कपड़े, क्योंकि यह होता ही है, खेलना है तो खेल, मिट्टी है, आजकल बरसात है तो बरसात में ऐसी हो रखा है ग्राउंड। तो इन कपड़ों को धोने के लिए ना, मैं सच बताऊँ मेरे हाथ में इतने दर्द होते ना, मैं क्या बताऊँ। तो मैं बोलती बेटे थोड़ा कम किया करना, गंदा था, बोलता मम्मी की फील्ड है उसमें, वहाँ तो मिट्टी धूल होती है और आजकल तो बरसात है तो कपड़े होंगे ही ऐसे ही। मैंने ये देख सकते हो कैसे कर रखे हैं उसने कपड़े, पूरा ऐसे कर रखा है। तो फिलहाल मैंने ये 2-3 घंटे पहले भिगाने के लिए रखे थे, और कपड़े डाल रखे हैं मैंने मशीन में। तो अभी मैंने बाथरूम की सफाई भी नहीं की, क्योंकि कपड़े धो के बाद में मैं बाथरूम की अच्छे से सफाई करूँगी। हाथ से धोए हो, थोड़ा हाथ से रगड़ना पड़ता है उसके कपड़े, तभी जाके उसके कपड़े साफ आते। और कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में, तो ये मैंने मशीन स्टार्ट कर दी है। बस रखूँगी मैं 9 मिनट पे, क्योंकि आजकल कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं तो उनको मैं, और अच्छे से सूख जाएंगे फिर। और ये मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। और इस मशीन की खासियत क्या है कि जैसे मैंने इसमें एक बार कपड़े डाल दिए हैं तो ये अपना आप पानी निकालेगा, अपना आप, ऑटोमेटिक मशीन है, अपना आप काम करता रहेगा। और इसमें मतलब हमारे लिए सही है कि हम अंदर का और काम निपटाते हैं, तब तक फिलहाल ये कपड़ा अपना आप धो धो के पानी, और जितना पानी चाहिए उतना पानी कर निकाल देती है, फिर सिर्फ हमें सुखाने के लिए आना चाहिए। और फिर तब तक मैं ये तो मैंने कपड़े धो दिए इसमें, तो फिर उसके तब तक मैं अंदर के काम निपटाती हूँ। और कपड़े रख दिए मैंने मशीन में, और मशीन तो चलती रहेगी तब तक मैं अंदर का काम निपटाती हूँ। तो ये देखो अभी थोड़ी देर पहले बहुत बारिश लगी थी यहाँ, तो बारिश का कोई पता नहीं है, मतलब कब बारिश आ जाए, कब कब धूप निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है यहाँ मौसम का। और ये देखो अभी इतनी ज़ोर से बारिश आई ना, मैं बता नहीं सकती कितनी ज़ोर से बारिश आई, कितनी भयंकर वाली बारिश आई। और ये है बुजो यहाँ पे, और दीदी ने भी बाहर रखे थे कपड़े, तो तुरंत दीदी ने यहाँ पे अपने कपड़े यहाँ पे डाल दिए हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा बारिश आ रही थी तो दीदी ने यहाँ पे डाल दिए कपड़े। और अब धूप लगी है तो मैंने कहा मैं भी डाल देती हूँ कपड़े। यहाँ के ना, यहाँ का ना एकदम मौसम या तो साफ रहेगा या तो एकदम मतलब कपड़े डाल रखे हैं, और इतनी ज़ोर से बारिश आ जाएगी ना पता ही नहीं चलेगा कि कब। और यहाँ पे मैंने कपड़े धो दिए हैं, हल्की हल्की धूप लगी है, मतलब मौसम सही है इस समय। तो हमने यहाँ पे कपड़े, मैंने और दीदी ने कपड़े धो के रखे हैं, और यहाँ पे थोड़ा गीला हो रखा था तो मैं कपड़ा लेने आई अंदर, क्योंकि कपड़े से साफ़ करूँगी यहाँ पे। ये है मेरे हाथ में कपड़ा, तो इससे मैं साफ़ कर रही हूँ फिर, क्योंकि इसमें पानी अटका था, बारिश लगी थी थोड़ी देर पहले। तो जहाँ पर हम रहते हैं ना वहीं पे ना, ये पीछे से मतलब इतना सुंदर लोकेशन है, बता नहीं सकती मैं कितना सुंदर लोकेशन है। ये देखो मैंने जूम कर रखा है कैमरा, तो ये देख सकते हो बहुत सुंदर लगता है यहाँ से, बहुत सुंदर लोकेशन, बिल्कुल गर्मियों के लिए मस्त मौसम रहा यहाँ पे। तो निपटा दिया मैंने सुबह का काम, मॉर्निंग का काम जो जितना होता है, कितना सारा काम होता है सुबह सुबह। तो टाइम हो रहा है 11:15 हो रहे हैं टाइम। तो ये देखो पीछे पीछे कितना सुंदर लोकेशन दिख रहा होगा आपको, और आगे का भी मैंने अभी दिखाया आपको जूम करके, तो बहुत सुंदर लोकेशन है यहाँ, बिल्कुल हरा भरा है। आजकल तो सभी जगह होगा हरा भरा, क्योंकि सावन का महीना है, जब हमारा टाइम होगा तो बस क्या अलग ही होगा, तो सचमुच बस क्या अलग ही आजकल सब जगह।
तो अभी मैंने निपटाया काम, कपड़े कुपड़े धोए, घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा जितना भी होता है, और अब देखती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। अब देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ। वैसे तो मैंने दाल बना दी है, दाल तो मैंने चूल्हे में रख दिया है, और कपड़े भी धो दिए हैं मैंने, और मौसम का कोई भरोसा नहीं है। पता क्या होता है, एकदम तो जैसे साफ है मौसम, तो हमने कपड़े बाहर डाल रखे हैं, तो उसके बाद मौसम का कोई पता नहीं चलता कि कब इतनी मोटी बारिश लग जाएगी कि मतलब जैसे कपड़े उठाते उठाते सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मसूरी नज़दीक है। मसूरी यहाँ से हम 12-15 मिनट में पहुँच जाएंगे हम मसूरी, इतना नज़दीक है यहाँ से, 12 मिनट या 15 मिनट लगभग पहुँच जाएंगे हम मसूरी, इतना नज़दीक है, मसूरी के जस्ट नज़दीक है हम। तो यहाँ मसूरी की जो ठंडी हवा, मसूरी की बारिश तो यहाँ आती रहती है, और यहाँ अभी धूप है, 5 मिनट बाद यहाँ बारिश। कभी कभी पता, दिन में जब कपड़ा डालो ना, तो कपड़ा धूप में डालो ना, पता क्या होता है, एक बार के कपड़े उठाए बारिश लग गई, एक बार के कपड़े उठाए अंदर रखते ही थोड़ी देर बाद धूप लग जाएगी, फिर हम बाहर रखते हैं, फिर जैसे ही कुछ काम करते पता नहीं चलता है, तो तब तक फिर बारिश लग जाती, फिर फटाफट भागना पड़ता है। वो तो अच्छा हुआ दीदी लोगों ने यहाँ बाहर पे जो एक छोटा सा हॉल बना रखा है, मतलब बरामदा टाइप का, तो उसमें टीन लगा रखी है। मैं दिखाऊंगी अभी आपको, मैं नीचे से दिखाती हूँ, तो इसमें टिन लगा रखा है, तो इसमें बारिश का पानी आ जाता है, इससे आवाज़ आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो तब पता चलता है कि बारिश लग गई। वैसे नहीं, अंदर का काम करते करते वैसे बारिश का पता भी नहीं चलता है, पर चलो इस मौसम का भी अलग ही आनंद है ना, भाग दौड़ करा देते हैं मौसम भी। तो ये है यहाँ का मौसम, और बने रहिए मेरी वीडियो में, और बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से, और ऐसे ही बने रहिए मेरी वीडियो में। बुआ तो नहीं बंदो, तो यहाँ पे लगाऊंगी, मैंने सारा काम निपटा दिया है, तो थोड़ा मेरे पास टाइम है, तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं नेल पेंट लगाऊंगी। और आजकल चल रहा है सावन का महीना, सावन के महीने मैंने हरी हरी चूड़ी पहनी है, मेहंदी लगाई हाथ में, क्यों लगाई है, आज है तीज, तो आज मैं इसीलिए जल्दी जल्दी ढंग से नहीं दिखा रही वीडियो, कभी बाहर का कभी अंदर का दिखा रही, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो रहा वीडियो बनाने में, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो, कैमरा को सेट करो, फिर काम करो, फिर कैमरा सेट करो, फिर काम करो, तो आज इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने फटाफट जितना हो सका उतना ही दिखाया, जैसे कपड़े धोने के लिए, वैसे मैंने झाड़ू पोछा, अंदर का खाना पीना बनाया, जितना भी काम होता है सुबह का काम कितना सारा हो जाता है, तो इतना काम निपटाया, तो आज मैंने वीडियो नहीं बनाई, शॉर्ट बनाई, तो खाना पीना बना दिया मैंने, और बेटा आ जाएगा स्टेडियम से, आज है संडे, तो पता नहीं ये वाली वीडियो पहले मैं 30 की वीडियो डालूंगी, क्योंकि अब हम 30 में जा रहे हैं, चूड़ी भी पहन दी है, मेहंदी भी लगा दी है, और टाइम हो रहा है 12:30 बजने वाले हैं, और हम तैयारी कर रहे हैं 30 की, 30 में जाने के लिए, तो हम जा रहे हैं 30 में, तो मैं लगा रही हूँ अब नेल पेंट, तो नेल पेंट लगाऊंगी तब जाएंगे हम 30 में, तो 30 का भी प्रोग्राम आप, ये वीडियो बाद में आएगी, पहले 30 की वीडियो डालूंगी मैं, और देखो मेहंदी लगाते लगाते, ये नेल पेंट लगाते लगाते कुड़ा वाला भी आ गया है। पहले मैं सबसे पहले, जैसे ही मैंने इस वाली उंगली में स्टार्ट किया, तब तक कुड़ा वाला आ गया है, तो सबसे पहले मैं कुड़ा देती हूँ मैं, और कुड़ा वाली गाड़ी आ गई है, पहले मैं कुड़ा डालती हूँ, तो ये आ गई हूँ मैं कूड़ा डाल के। फिलहाल मैं इस बाल्टी को यहीं पे रखूंगी बाहर पे, पहले धोऊंगी सब ले जाऊंगी, बाद में धोऊंगी, अभी मैं पहले मैं, तो ऐसी होती है भागम दौड़ वाली लाइफ हम महिलाओं की, हाउस वाइफों की। तो ये मैं यहाँ पे हाथ धो रही हूँ, तो अब लगाऊंगी मैं आराम से नेल पेंट, पता नहीं तब तक क्या काम पड़ जाता है, और इसको भी मैं धो लेती हूँ बाहर पे सबसे पहले, तभी ले जाऊंगी अंदर।
तो अभी मैंने शॉर्ट शॉर्ट हल्का फुल्का हाथ बाहर भी धो दिया, अंदर मैं डिटॉल से धोऊंगी ढंग से, तो जाती हूँ अंदर। तो ये देखो लगा दी है मैंने मेहंदी, और इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बनाते बनाते फिर ज़्यादा टाइम हो रहा है, मतलब वीडियो सेटिंग करो उसके बाद वो करो नेल पेंट की तैयारी करो, इससे अच्छा मैंने फटाफट लगाया फिर इसके बाद दिखाए तुम्हें। और जो मैंने ये चादर बनाई है, जो ये वाली चादर बनाई है मैंने, ये अपने हाथों से बनाई, अपने हाथों से मैंने पेंट किया है इस पर। तो पहले मैं बहुत बनाती थी ऐसे, जैसे वो हो गया क्या बोलते उसको, सोफा कवर हो गया है, और कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, जैसे लगी रहती थी अपने अपने कामों में। पहले से मेरी आदत है कि बिज़ी रहने की और कुछ ना कुछ बनाने की, कुछ ना कुछ सीखने की। तो ये देखो आप कमेंट करना कैसे बना रखा है मैंने, मैं आगे से दिखाऊंगी बिल्कुल। ये देखो मैंने यहाँ पर ये गुलाब के फूल बना रखे हैं, इसमें हरी हरी पत्तियाँ भी बना रखी है। ये देखो ये इसकी पत्तियाँ हैं, ये गुलाब का फूल, और यहाँ पर ये छोटे से छोटे छोटे गुलाब आ रहे हैं। तो चारों तरफ मैंने ये बना रखे हैं गुलाब के फूल और पत्तियाँ, और बीच में हार्ट दिल बना रखा है। तो मैने ऐसे एक दो चादर और क्रोशी कर रखी है मैंने यहाँ पे, और वैसे करती रहती हूँ बुलाई सिलाई क्रोशिया, जब भी टाइम मिले तो कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। और ना ये देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले, आधा घंटा भी नहीं हुए, कपड़े मैंने बाहर डाले थे, अब फिर लग गई बारिश। तो जब बारिश लगी थी ना मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि उस समय जब बारिश लगी रहती तो उसमें आपको पता होगा जब बारिश लगती तो ध्यान ही नहीं रहता कि वीडियो बनाने का कि वीडियो बनाएं। तो ये देखो बारिश लगी है और कपड़े यहाँ पर रख दिए हैं, दीदी थी नहीं थी तो दीदी के कपड़े भी मैंने यहाँ पर रख दिए आगे से, क्योंकि दीदी ने यहाँ पीछे डाल रखे थे कपड़े। तो ये है आज का ऐसा मौसम, और हवा भी चल रही है और ठंडा बिल्कुल ठंडा हो रखा है मौसम यार। और ये देखो मैंने नेल पेंट भी लगा दिए, पायल भी पहन लिए हैं, और ये हाथों पे भी ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली है। अब है तीज में जाने की तैयारी, साड़ी दिखाऊंगी आपको अपनी। तो ये है मेरी साड़ी, तो आज तीज है ग्रीन साड़ी पहनते हैं। इस साड़ी को तो आप पहले ब्लॉग में देख लोगे, उसके बाद आएगा ये वाला ब्लॉग। तो ये वाली ये है साड़ी, और ये साड़ी ना मेरे भैया ने दी थी मुंबई में जब मैं उनके घर गई थी, तो ये साड़ी मेरी भैया ने दी थी, बहुत सुंदर और बहुत प्यारी साड़ी है, देख सकते हो आप। और पहन के आप खुद देखना तीज वाली वीडियो में कि कैसी कैसी लगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नहीं आई होगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं आती है किसी की वीडियो पसंद तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि लाइक करो ही करो, है ना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।